सर्वे भवन्तु सुखना, सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, यही आयुर्वेद का सिद्धांत है। इसी कड़ी में आज मैं बताने वाला हूँ, मैंने प्रॉमिस किया है कि आपके किचन को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाना है। आपके किचन में जो मसाले हैं जिसे आयुर्वेद शास्त्र में औषधि बोला गया है, आपको उसके औषधीय गुणों से परिचित कराना है ताकि आप अपने घर में इसको औषधि के रूप में बीमारियों में प्रयोग कर सके और आप अपने को स्वस्थ रखिए। इसी में आज आपको हम बताने वाले हैं काली मिर्च के बारे में। आप मिर्च दो तरह के देखे होंगे, एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद मिर्च होती है। काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च कैसे होता है आप इसके बारे में पहले जान लीजिए। काली मिर्च जो होता है अधपका मिर्च को सुखा करके जो उपलब्ध हो जाता है मार्केट में अवेलेबल होता है उसको काली मिर्च बोलते हैं। सफ़ेद मिर्च जो पूर्ण रूप से पक जाता है मिर्च, उसको पानी में डाल करके हाथ से या मशीन से मसल दिया जाता है जिससे ऊपर के छिलका हट जाता है और उसको सुखा दिया जाता है जिससे वो सफ़ेद मिर्च हो जाता है। तो ये काली मिर्च की अपेक्षा सफ़ेद मिर्च जो होता है सौम्य नेचर का, मतलब सूथिंग नेचर का होता है, ये गर्म प्रकृति को तो होता है लेकिन काली मिर्च की अपेक्षा कम होता है। इसके नेचर को जान ले, ये थर्मोजेनिक नेचर का हो गया, डायरेटिक नेचर का होता है, एंथेल्मिनेटिक नेचर का होता है, डायरेटिक नेचर का होता है, ये ट्रिकोजेनिक नेचर का होता है, और ये है इसका गुण, और जिसका जिसके जानने के बाद आप इसका अच्छी तरह से सेफ पूर्वक आप यूज कर सकते हो। तो अब आप प्रयोग कैसे किस में करना है आप इसका यूज देख लीजिए। अगर सूखी खांसी हो रही हो तो इक्वल क्वांटिटी में आप इसका पूर्ण डस्ट बना लीजिए और दूसरा बड़ी वाली जो मिश्री आती है धागा लगी हुई उसको भी बना लेना है और 125 से 250 mg की मात्रा आपको बार बार मुंह में डालते रहना है, मतलब बार बार हर 4 घंटे पे डालना है। आप देखेंगे कि ये बलगम का एक्सपेक्टोरेंट नेचर का होता है, बलगम को आपको पिघला करके और निकालेगा और आप जो ढोंढो करके जो खांसी होती है ड्राई कफ होती है उसमें बहुत ही अच्छा ये काम करता है। अस्थमा के लिए, जिनको अस्थमा के अटैक आता हो उनके लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ है। सुबह सुबह में आपको 125 से 250 mg की मात्रा के बराबर शहद 1 चम्मच और 2 चम्मच गाय के घी मिक्स करके अगर आप उनको देते हैं तो अस्थमा के पेशेंट को भी ये बहुत ही आराम करता है। हिस्टीरिया को, जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होता है नर्व्स का प्रॉब्लम के कारण होता है, उसमें भी काली मिर्च बहुत ही काम करता है। काली मिर्च को देना कैसे है, उसमें 250 mg से 1 ग्राम तक की मात्रा रोगी के उम्र और अवस्था को देखकर इसकी मात्रा डिसाइड करेंगे और दही में मिला करके साथ में उसमें खांड मिला लीजिए और सुबह सुबह दीजिए। खाली पेट देने के बाद 1-2 घंटे तक कुछ भी खाने के लिए नहीं देखिए, साथ में गाय के घी का नस से दीजिए, देखेंगे आप चमत्कारिक रूप से इसमें फ़ायदा होता है हिस्टीरिया वाले को लिए। आयुर्वेद शास्त्र में इसका तेल भी बनाया जाता है, महामरचादी तेल, मरचादी तेल के नाम से आता है, जो किसी भी स्किन के प्रॉब्लम होता है उसमें बहुत ही अच्छा काम करता है। ये आप घर पे भी बना सकते हो, कहीं पे दाद की प्रॉब्लम हो गई है, किसी तरह से खुजली हो गया, इन्फेक्शन हो गया, उसमें यह तेल अप्लाई कर सकते हैं। आप मस्टर्ड ऑयल में आप इसको डाल करके पका लीजिए और जब पूर्णतः काली हो जाती है तो फिल्टर करके रख लीजिए, उस तेल को अप्लाई करिए, आपको दाद में खुजली में बहुत ही आराम मिलेगा। दूसरा क्या है कि यह दांत में अगर दर्द हो रहा है तो दांत दर्द में भी काली मिर्च को आप सुई में लगा करके और पका लीजिए आग में। आग में पकने के बाद जब देखिए कि धुआं निकलने लग रहा है तो उसको निकाल करके और वो जो कैविटी है वहां पे रख लीजिए, प्लेस कर लीजिए, आप देखेंगे कि दांत का दर्द तुरंत में आराम मिलता है। अगर वह दांत के दर्द कीड़ा लगने के कारण होता है जिसको बोलते हैं कैविटी है, उसमें कैविटी में डालने से तुरंत ही आपको आराम मिलता है। डायरिया में, अगर डायरिया है कि एकदम अगर आप लैट्रिन जाते हो और पूरे पानी जैसा लैट्रिन हो रहा है, वैसे डायरिया में आपको 1 ग्राम की मात्रा तक आप 1 कप पानी में लेकर निगल लेते हैं तो आप 2 से 3 बार ही अगर लेते हैं तो तुरंत आराम मिलता है। और भी इफेक्टफुल बनाने के लिए आपको इसमें सफ़ेद जीरा और साथ में जो है हींग, 1 चुटकी हींग ले लीजिए और लगभग 2 से 3 ग्राम सफ़ेद जीरा का पाउडर बना के अगर लेते हैं तो आप देखेंगे 2-3 खुराक में ही आप बेटर फील करने लगोगे। आई साइट के लिए, आँख की रोशनी बढ़ाने के लिए भी उसमें सफ़ेद जो मिर्च है उसका प्रयोग किया जाता है। इसकी क्वांटिटी आपको लेना है
50 ग्राम आप सफ़ेद मिर्च ले लीजिए, 50 ग्राम आपको धनिया लेना है, 50 ग्राम आपको एलमंड लेना है। एलमंड को रात को भिंगो दीजिए, सुबह में उसका छिलका हटा करके छोटा छोटा टुकड़ा करके उसको 2-3 दिन छाया में सुखा देना है, और सूखने के बाद पाउडर बना लीजिए। ये तीन चीज़ हो गया, और आपको 100 ग्राम की मात्रा बली वाली मिश्री मिला लेना है। ये चारों चीज़ों को मिला करके आप रख लीजिए। सुबह शाम आपको सुबह में खाली पेट और शाम को 5 बजे की मात्रा अगर लेते हैं 40 दिन के बाद ही आप देखेंगे कि आई की जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाता है। तो और इसका तेल अगर आप बना लेते हो, जैसे मैंने बताया है कि खुजली में, और साथ में यह पैरालाइज्ड वगैरह जो होता है, जो अंग पैरालाइज्ड हो गया है जिसमें कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये स्टिमुलेंट नेचर के होने के कारण जहाँ पे करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाता है। तो हर जितने भी आपको आयुर्वेद में दवाइयाँ बनती है, जैसे आपको महानारायण तेल हो गया, विषगर्भ तेल है, विषगर्भ तेल हो गया, प्रसारणी तेल है, जितनी भी ये वातनाशक दवाइयाँ बनाई जाती है उसमें काली मिर्च डाली जाती है, तो आप घर पे भी इसको बना के यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का बहुत सारे उपयोग हैं। बहुत सारे बीमारियों में आप घर पे है तो उसका आप यूज कर सकते हैं। इस काली मिर्च सफ़ेद मिर्च के बारे में अगर कोई डाउट हो, कोई संदेह है, तो आप इस कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और कुछ इसके विषय में कुछ जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, डेफिनेटली मैं आप पूरा पूरी कोशिश करूंगा कि आपके कमेंट का रिप्लाई करूं। और आप हमेशा स्वस्थ रहिए।